मेरी नैया लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया हो, गंगा मैया। मेरी नैया चारों धाम, चरण कमल की धूल तो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छुअत ही पत्थर की शिला भी मुनि की स्त्री हो गई। और मेरी नाव तो प्रभु काट की है, और काट तो पत्थर से कठोर नहीं होगा। यदि मेरी नाव भी तुम्हारे चरण छुअत ही सुंदर स्त्री हो गई तो प्रभु मैं तो मर जावा तू, मेरे तो खाने कमाने की राह भी मिट जावत है। मैं तो केवल सीनाओं से अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करत हूँ, और तो कोई काम धंधा भी नहीं जानत हूँ। मुझे घुमड़ी दुआई और हमारे महाराजा दशरथ जी की सौगंध, जब तक तुमने चरण ना दो लू तुम्हें गंगा पार ना ही उतारूंगा। नहीं महाराज नहीं, अगर तुमने को गंगा पार जाना है तो पहले अपने चरण धोने दीजिए। ये केवट तुमने चरण धोए बिना तुम्हें गंगा पार नहीं उतारेगा। जिससे तेरी भावना जाए वो काम तो अवश्य कर। Thank you.
बहुत मजूरी दे दी। हाँ, पर लौटते समय आप हमें जो भी देंगे हम उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अरे भाई अपने पिता के वचन के मनो में आए हैं। ये लक्ष्मण मेरा अनुज है। मेरा नाम राम है। कहिए आपको कुछ हमसे काम है? यदि अनुचित ना समझें तो आप भी अपने नवास स्थान का बता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ है। हाँ, लक्ष्मण इस बात को अगर स्वीकार करें खुशी की बात क्या है, इसलिए आप इनके पास जाइए। मेरी कुछ नसीबी का ठिकाना नहीं लगा, कि तुम जैसी चंद्रमुखी की सूरत मुझ पर माही हो गई और मेरे एक ही तीर बाण से घायल हो गई। रंग है के कुंदन की तरह धमक रहा है। सुंदरता में सुंदरता लाजवाब हो तमाम जमाना क्या बल्कि सारी खूबसूरती का इंतखाब हो। तमाम उम्र के लिए मट्टी खराब है इसलिए आप इनके पास जाएं। बस मुझ पर तो मेहरबानी करो और जरा अपने फैसले पर नजर सामनी करो। समझौता है कि तुमने इनके अंदाजा लगाने में कोई गलती की है। क्या हो सकता है इन्होंने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई रचना चलाई है? क्योंकि ये सुंदर स्त्री तुम्हारे साथ है, ये मेरी इच्छा पूरी होने में हर चंद पहले जाती उसकी भट्टी छुपा दी। की जरा मेरी तरफ को देखो।
सर्वनाश। अब भी समय है, दौड़ जाओ वरना मेरे एक बार